उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी रैली में एक युवक ने काला झंडा दिखा दिया। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जौनपुर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जौनपुर में मल्हानी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सिकरारा बाजार से सटे ताहिरपुर बाग में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मल्हनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करने के दौरान अचानक एक युवक काला झंडा लेकर सुरक्षा घेरे में आ गया। इस दौरान वहां खड़े पुलिसकर्मियों ने दौड़कर युवक को पकड़ा और बाहर ले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लफ्ज जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे लिए हमारा देश ही पूरा परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए उनका परिवार उनका देश है। इससे आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो करके दिखाया है और ये भी कहने के लिए आए हैं, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे, छप वेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा में ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। आज के अवसर पर